सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ मस्त और व्यस्त हो गए, तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 7 बजे से। तो इधर मिले जी मम्मी से, तो मम्मी की बात की जाए तो मम्मी लग चुके हैं जी सुबह सुबह फ्रेश करने। तो मम्मी आप सभी को हाई बोल रहे है। तो मम्मी जा रहे है जी आज दीप्ता जी के पास, तो मम्मी जा रहे हैं जी आज बनारी, तो वहां पर आ रहे हैं जी आज दीप्ता जी, तो वहां के लिए इनवाइट किया हुआ है। तो दीप्ता जी आ रहे हैं जी मम्मी के गॉड ब्रदर के घर में, तो वहां के लिए मम्मी जा रहे हैं, तो वहीं के जाने की तैयारी हो रही है। तो जाना तो वैसे मैंने भी था, पर मम्मी ही जा रहे हैं, फिर मैं तो नहीं जा रही। तो सुबह सुबह मम्मी लग चुके हैं जी मेरा व्लॉग देखने, तो मम्मी को शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ना प्रेस करने का ना व्लॉग देखने का, क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो दोस्तों अब चलती हूँ जी मैं भी ऊपर लैंडर पर, तो वहाँ पर देखती हूँ जी पानी, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं पानी ही नहीं आया है। तो देखते हैं जो हमने यहाँ पर टंकी वगैरह स्टोर करके रखी हुई है उसमें देखते हैं कि कितना पानी रहा हुआ है। वाह भाई सुबह सुबह सूर्य देवता जी के दर्शन भी हो चुके हैं, तो सामने करते हैं जी सूर्य देवता जी के दर्शन। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर 2 टंकियाँ फिट कर दी है, तो ये वाली तो पहले से करी हुई थी, तो ऊपर वाली हमने अभी करी हुई है कुछ टाइम पहले। तो देखते हैं जी पानी कितना है। तो देखिए जी इसमें पानी बहुत कम है, तो जो ये ऊपर वाली टंकी ये फुल है, तो इसको ही हम नीचे के लिए उतारते हैं। तो सामने करते हैं जी हम डोम देवता जी के दर्शन। तो दोस्तों ये दिखाती हूँ जी मैं आपको सुबह का अपने गांव का खूबसूरत सा नजारा। तो ये है जी अपने गांव का सुबह का व्यू। तो देखिए जी धूप की बात की जाए तो धूप भी एकदम मस्त वाली खिली हुई है और आसमान में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इधर मिले जी दादा से, तो दादा भी आ चुके हैं। तो अब चलते हैं जी मैं भी दूसरे वाले घर, तो अब बनाती हूँ जी मैं खाना, तो मम्मी ने थोड़ी देर के बाद जाना है, तो मम्मी अपनी तैयारी करेंगे, तो मैं चल रही हूँ जी आज खाना बनाने, आज है जी मेरी बारी। तो इधर की बात की जाए तो लाली और टिक्की भी पहुँच चुकी है। और भाई लाली क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? ये तो मस्त है। तो इधर मिलते हैं जी अब बिंदी से। बिंदी वाह भाई, जब तो मैं कैमरा लेके आती हूँ तो ये बढ़िया से पोज देती है, वाह। तो इनको दोस्तों मच्छर भी खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह होता है यहाँ पे, मच्छर भी बहुत होते हैं। तो ये दोनों मस्त होके घास खा रही है। तो सबसे पहले तो खाती हूँ जी मैं इनको गुट्टी को, थोड़ी सुबह की डाइट लेते हैं। तो देखिए जी इधर रसोई की बात की जाए तो दादी लग चुके हैं जी यहाँ पे रोटियों को बेलने, तो यहाँ पे बेल के रखी हुई है। तो देखिए जी इधर लग चुकी है जी भटूरे बनने, तो देखिए जी यहाँ पे सेक रहे हैं और साथ साथ उधर लगे हुए जी बनाने। तो देखिए जी जी बुरानी के लिए भी बना के एक भटूरा रख लिया है। तो दोस्तों मैं भी पी लेती हूँ जी अब दूध। देखिए जी दाल बनी हुई है जी आज दले चने की। तो दोस्तों मैं भी करती हूँ जी अब इधर झाड़ू देने का काम शुरू, क्योंकि थोड़ी देर बाद मम्मी ने जाना है, तो उसके बाद झाड़ू नहीं देते हैं किसी के जाने के बाद, अगर घर से कोई कहीं जाते हैं तो उसके बाद झाड़ू नहीं दिया जाता है। तो फिर विंडो जाने वाली है बात, वेट करना तो मेरा। तो दोस्तों मम्मी भी हो चुके हैं जी तैयार, अब निकल रहे हैं जी मम्मी, चलो तुम्हारे को भी ले चलते हैं। हाँ जाओ आप ही। तो मम्मी जा रहे हैं और गांव से चाची जा रहे हैं। तो सामने है जी दादी,
इधर देखें जी दोस्तों, कितनी सुंदर तितली है। तो देखिए जी यहाँ पे लगाया हुआ था जी एक गुलाब का पौधा। तो देखिए जी इसमें बहुत ही अच्छा फूल खिल भी चुका है। तो देखिए जी अभी ये बहुत छोटा पेड़ है। तो सामने देखिए जी चाची भी आ चुके हैं। मम्मी चले गए यहाँ पर, गए उन्हें उधर आगे, उधर चले गए आगे, यहीं पे गए उन्हें अभी दादा के घर के पास। और भाई मौली, तो इधर मिले जी मौली और डॉली से, मस्त होके छाया में बैठी हुई है। और भाई मौली हेलो कर, कर 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 कर, भाग रही है मेरे से डर के। ओहो परेशान की माता श्री भी आ चुकी है अपनी मिक्को रानी। तो देखे जी इधर ताई भी पहुंच चुके हैं। तो ताई लेके जा रहे हैं जी अब इनको नीचे घर के लिए। वाह जी ऑस्कर भी पहुंच चुका है, बैठ जा भाई बैठ जा। तो ये भी आजकल छाया ही ढूंढ रहा है बैठने के लिए। तो ताई लेके जा रहे हैं जी लाली को बांध के। तो लाली रास्ता भटक जाती है तो इसलिए ताई इसको बांध के लेके जाते हैं। चलो 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 चलो, नहीं जाना इसने, ओ जोर लगा के जोर लगा के इसने आना ही नहीं है। तो लाली जा ही नहीं रही है, लाली ने रहना है जी यहीं पे ही धूप में। चल 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 चल, ये तो इसके पीछे खुद ही चलती है। फिर तो किसी टाइम ये बहुत छोटी हुआ करती थी, अब बहुत बड़ी हो चुकी है। चल पड़े जी ये भी अपने घर की ओर। हेलो कर, चल कर, इतनी बड़ी जीभ निकाली हुई है। हेलो कर, कर ऐसा कर रहा है जैसे मर के कर रहा है। तो चलो जी दोस्तों अब हम भी कर लेते हैं जी लंच। तो चलो जी इधर लंच भी निकल चुका है और साथ साथ है जी लस्सी और भटूरा। तो दोस्तों देखिए मम्मी पहुंच चुके हैं, जल्दी बोलो क्या लाया। सारा जोड़ा लाया यहाँ पर देख। तो मम्मी लेके आया सब्जियां। वाह खाना ले। मेरे को कुछ नहीं लाया, नहीं लाया कुछ नहीं। पंकु के एटीएम आए है तेरे लिए, फूल का बीज लाया यहाँ। फूल का बीज भगवान, ये कौन से फूल लाए अच्छे है। तो दोस्तों मेरे ठाल के खेती हो गई, मेरे लिए कुछ भी लेके नहीं आए। तो दोस्तों मैं तो इस उम्मीद में थी कि मम्मी मेरे को कुछ लेके आएगी। तूने फोन नहीं किया है, तू समोसे के लिए सबूती में नहीं खाने, तो और क्या लेके आती मैं तेरे को फिर, मतलब कि कुछ खाने के लिए पहले फोन करना पड़ता है। तो मैंने तो देखिए जी अभी सूर्य देवता जी है जी बादलों के बीच छिपे हुए। तो देख सकते हो आप कितने बड़े बादल आ चुके हैं। तो ये कहीं कहीं आए हुए है, तो इधर इधर देखे जी शाम के लिए। तो दोस्तों आजकल ना दो दिन में शाम के लिए तो मौसम ऐसे खराब हो रहा है, मतलब 4 बजे के बाद मौसम खराब हो जाता है और उसके बाद की बात की जाए तो फिर रात को 8 बजे के लिए पूरा का पूरा मौसम साफ हो जाता है और तारे लग जाते हैं। तो अब मैं भी चलती हूँ जी, अपने फूलों को थोड़ा थोड़ा पानी देती हूँ। तो देखिए जी इधर दादा लग चुके हैं जी, इधर दादा ने डाल दिए इधर सब्जियों में पानी। तो अब मैं भी इधर डालती हूँ, मैं डालूंगी फूलों में। तो इधर हो गए सभी सब्जियों में पानी डाल दिया है। और इधर देखिए जी इधर टमाटर में भी पानी डाल दिया है। क्या बोल रहे, अरे मैं तो आज पुलाव बना रही थी ना। वाह दोस्तों तो ये वाला डब्बा है जी फटा हुआ, तो यहाँ से देखे जी। चलो भाई पौधों, ये दिन भर बहुत ज़्यादा धूप लगी होती है तो बेचारे ये पौधे मेरे पानी से ही जीवित रहे हुए हैं। तो ये वाला पौधा है जी तुलसी का। तो देखे जी इधर फूल भी अच्छे खिले हुए हैं। बेचारा ये है जी एक ही गुलाब लगा हुआ है, अभी एक ही खिला हुआ है। तो ये वाला है जी खीरा।